साल 2007 का वनडे वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज के अलग अलग द्वीपों पर हुआ था। यहाँ का माहौल मस्त रहता है क्योंकि मैच के साथ साथ यहाँ मस्ती और पार्टी का माहौल भी बना रहता है। आईसीसी ने जब यहाँ वर्ल्ड कप कराने की सोची तब लगा कि बेहतर वर्ल्ड कप निकलेगा, हल्के माहौल में फैंस को बढ़िया मैच देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ था। 2007 के उस क्रिकेट वर्ल्ड कप को सबसे नीरस विश्व कप माना जाता है और भारत और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमें शुरुआत में ही तब बाहर हो गई थी। बाकी भी इस वर्ल्ड कप में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो कहा जा सके कि काफ़ी शानदार रहा हो। अब कुछ ऐसा ही आपको साल 2024 के T20 वर्ल्ड कप में देखने को भी मिला है। इस बार वेस्टइंडीज़ के साथ साथ अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और शुरुआत का जो फेज़ गया है वो यही बताता है कि ये वर्ल्ड कप भी फ्लॉप टाइप ही चला गया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 ICC ने बड़े शौक के साथ अमेरिका में करवाया, लेकिन सारा खेल खराब हो गया। सबसे पहले तो टाइमिंग पर एक बड़ा मसला बैठ रहा है और दूसरा ये कि पिच ने इस बार वर्ल्ड कप का T20 स्टाइल वाला खेल ही बिगाड़ दिया है। अब ये सब देखने की फैंस को आदत नहीं है क्योंकि T20 में तो आप छक्के देखना चाहते हैं, चौके देखना चाहते हैं, लेकिन जब यहाँ स्कोर कम होने लगे तो मामला थोड़ा उल्टा हो गया। इस वर्ल्ड कप में भी बड़ी टीमें एक तरह से फिसड्डी साबित हुई जैसा कि 2007 में हुआ था और यही वजह है कि लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमें इस बार सुपर 8 में भी नहीं पहुंच पाई हैं और बाकी जो टीमें पहुंची हैं उनकी भी हालत ख़राब ही रही है। बांग्लादेश और इंग्लैंड जैसे तैसे गिर पड़कर सुपर 8 में पहुंची। भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें रहीं जो आसानी से सुपर 8 में पहुंच गई। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बड़ी टीमें इस वर्ल्ड कप में फेल हो गई। अब इसका जवाब भी सुनिए। ICC ने अमेरिका में ये वर्ल्ड कप कराया जहाँ पर क्रिकेट का सी भी बहुत से कम लोगों को मालूम होगा। उस देश में मैदान भी 3 महीने पहले ही तैयार किए गए जहाँ पिच से लेकर सीट तक और मैदान पर बिछी हुई घास तक सब कुछ इम्पोर्ट किया हुआ है। वहाँ पर जब क्रिकेट हुआ तो टीमों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो यही आई कि आखिर खेला कैसे जाए, क्योंकि T20 क्रिकेट का फॉर्मूला तो यही बन चुका है कि आप रन बनाइए और बस बनाते ही जाइए। लेकिन जो पिच मिली वो एक तरह से टेस्ट क्रिकेट वाली थी और माहौल भी वैसा ही बना, इसलिए टीमें इस फंडे को समझ नहीं पाई और उनके साथ गड़बड़ हो गई। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप से पहले तमाम टीमों के प्लेयर IPL में व्यस्त रहे, बाकी लोग भी बाकी लीग में लगे रहे, इस वजह से मौका नहीं मिला कि वो संभल पाए। भारत भले ही सुपर 8 में पहुंचा हो लेकिन शुरुआत में उसके साथ भी कई दिक्कतें आई थी। साफ है कि इस वर्ल्ड कप को अगर फ्लॉप माना जा रहा है तो इसके पीछे एक कारण ICC की जिद है जो अमेरिका में टूर्नामेंट कराने की थी। ICC की नज़र इन्वेस्टमेंट पर थी, लेकिन उसने शायद ही सोचा होगा कि वर्ल्ड कप इतना नीरस चला जाएगा। अब हर किसी को उम्मीद सुपर 8 के मुकाबले से है जो वेस्टइंडीज़ में होने हैं। ICC भी चाहेगा कि आने वाले टूर्नामेंट में बड़े और कड़े मुकाबले देखने को मिले ताकि दर्शक खुश हो सकें। वैसे इस वर्ल्ड कप का एक तर्क और ये भी है कि पिछले कुछ वक्त से हमें ऐसे ही टूर्नामेंट देखने को मिल रहे थे जहां सिर्फ बल्लेबाजों की चलती थी, लेकिन ये टूर्नामेंट ऐसा रहा जहां बॉलिंग ने कमाल किया है। बड़े बड़े बल्लेबाज एक एक रन बनाने को तरस रहे हैं। अब ये आप पर निर्भर है कि आप बड़े स्कोर देखना चाहते हैं या फिर छोटे स्कोर वाला कांटेदार मुकाबला। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।